न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है, ए एंड बी पार्टनर्स दिए 7:3, ओल्ड रेशियो दिए सी आया, सी नया पार्टनर आया, हमें न्यू रेशियो निकालनी है तीनों की, ए बी एंड सी की। अब लिखा है हमें इन्फॉर्मेशन है ए सरेंडर 2/10 फ्रोम, फ्रोम जब दिया होता है तो इसका मतलब उसमें से वो उतना ही पार्ट अपने में से सेक्रीफाइस करा, मतलब आपको ये क्या दिया हुआ है 2/10 सेक्रीफाइस शेयर दिया है। बी सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, बी भी क्या कर रहा है 1/10 फ्रॉम वर्ड है तो इसका मतलब अपने में से उतना ही दे रहा है। न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, जो उनका ओल्ड शेयर होता है उसमें से जितना ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उसको हम माइनस कर देंगे तो आपकी न्यू रेशियो आ जाएगी। ए की क्या आएगी, ए का ओल्ड शेयर है 7/10, उसने कितना दे दिया 2/10, तो 7/10 में से 2/10 चला जाएगा तो कितना उसका न्यू शेयर आ जाएगा 5/10। बी का कितना है 3/10 है, उसने 1/10 दे दिया तो उसका कितना आ गया 2/10। अब सी का दोनों में प्लस क्यों किया, क्योंकि सी को इससे इतना मिला 2/10 और इससे 1/10 मिला, दोनों से मिल गया इसने गेन किया तो इसको ऐड कर देंगे, इसका आ जाएगा 3, सबका डिनोमिनेटर इक्वल है 5:2:3 न्यू रेशियो।